चलिए कुछ नया बनाते हैं, इज फेस्टिवल फिर से अपना घर सजाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी क्रिएटिविटी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों मैं आपके साथ फेस्टिव डीआईवाई शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का डीआईवाई हम स्टार्ट करते हैं। इस डीआईवाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एमडीएफ का सर्कल शेप में एक बोर्ड लिया है। ये कोस्टर के साइज का है। आप चाहें तो इसकी जगह पर थिक कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के ऊपर हम एक कोट जेसो का अप्लाई करेंगे। अगर जेसो नहीं है तो आप एक कोट व्हाइट एक्रेलिक कलर का भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कलर को स्पंज से भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पंज अप्लाई करने पर हमें एक अच्छा सा टेक्सचर मिल जाता है। तो हमारा बेस ड्राई हो चुका है, साथ ही इसके ऊपर मैंने स्केचिंग भी कर ली है। यहाँ पर मैंने बहुत ही क्यूट से गणपति जी और बहुत ही क्यूट सी लक्ष्मी माता को स्केच किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने व्हाइट पेपर पर इन्हें स्केच किया था, देन इसे ट्रांसफर कर लिया। अगर आपके पास गोल्डन या व्हाइट कलर का ट्रांसफर पेपर है तो आप अप्लाई कीजिएगा, वरना इसी तरह से पेपर के पीछे पेंसिल से स्क्रैच करने के बाद आसानी से इसे किसी भी बेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्ले वर्क। तो यहाँ पर मैंने पुट्टी से बनाया हुआ क्ले लिया है। आप चाहें तो मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर मुझे क्ले वर्क करना है उस पोर्शन पर मैंने बॉर्डर लगा लिया है। आप चाहें तो पेपर के ऊपर एचपी सीट रख कर भी क्ले वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गणपति जी और लक्ष्मी जी के फेस को ही क्ले से रेडी कर रही हूँ। बाकी का काम हम पेंटिंग से कम्प्लीट करेंगे। तो सिंपली क्ले को मैंने फेस के ऊपर रखा है और फिंगर से इस तरह से टैप टैप करते हुए इसके आकार को बना लिया है। तो यहाँ पर हम फेस और मुकुट दोनों को ही क्ले से दिखाएंगे। फेस रेडी करने के बाद जहाँ पर मुझे मुकुट बनाना है उस पोर्शन को मैंने कटर से कट कर दिया है। आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हम मुकुट के पोर्शन को पेंटिंग करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मैं गणपति जी के सूंड को भी क्ले से बना रही हूँ। तो लक्ष्मी जी के फेस को भी मैंने सेम प्रोसेस से रेडी किया, साथ ही मैं छोटा सा कमल भी क्ले से ही बना दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे कलर से भी बना सकते हैं। जब तक हमारा क्ले ड्राई हो रहा है तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं, यानी कि पेंटिंग वाला काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो गणपति जी के बॉडी को कलर करने के लिए मैंने फेस कलर में हल्का सा ब्राउन कलर मिक्स करने के बाद एक नेचुरल स्किन कलर रेडी किया है, जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं जो भी कलर अप्लाई कर रही हूँ वो सारे एक्रेलिक कलर ही हैं। अब हम गणेश जी की पोशाक रेडी करेंगे। तो उनकी धोती को कलर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज किया है। आप चाहें तो येलो या ऑरेंज कलर भी कर सकते हैं। तो मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की पोशाक सेम कलर से कलर कर रही हूँ।
पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें इनकी आउटलाइन भी कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन करने के लिए ब्लैक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास परमानेंट मार्कर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्ले वाला पार्ट भी ड्राई हो चुका है। अब इस पर हम कलर करेंगे। मैंने इन्हें 24 आवर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो आप भी अगर पुट्टी से क्ले बना रहे हैं तो आप इसे कम से कम 8-10 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख दीजिएगा। तो हमारे प्यारे से गणपति जी तो रेडी हो चुके हैं। अब इनकी सूंड को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए सिंपली मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है और नीचे की साइड पर थोड़ा सा सपोर्ट लगा दिया है। गणपति जी और लक्ष्मी जी के फेस को हम फेविकॉल अप्लाई करके बेस पर पेस्ट कर देंगे। अब मुकुट के चारों तरफ थोड़ी सी डिटेलिंग हम और कर लेंगे। आप चाहें तो इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। अब इनकी बॉर्डर पर हम छोटे छोटे से डॉट्स बना लेंगे। आप चाहें तो सिंपली बॉर्डर भी लाइन से बना सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद अब हम टेसल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड लिया है और इस तरह से ऊन को इसके चारों तरफ लपेट दिया है। अब मैं इस पर ऊपर की साइड में एक नॉट लगाऊंगी और नीचे की साइड पर एक कट लगा दूंगी। तो इसी के साथ हमारे टेसल्स रेडी हैं। अब इसमें मैं छोटे छोटे से पॉम पॉम और कुछ बीट्स को ऐड कर रही हूँ इसे कम्प्लीट लुक देने के लिए। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाले टेसल्स भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों टेसल बनाने के बाद हमें इन दोनों के पीछे इन्हें अटैच कर देना है।
हमारे टेसल्स रेडी हैं। अब इन्हें हम पीछे की साइड पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए सिंपली यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप को यूज़ किया है। इन्हें वॉल पर हैंग करने के लिए आप डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से वायर को फोल्ड करने के बाद एमसील से उसे फिक्स कर लीजिएगा, ताकि आप इसे नेल पर भी हैंग कर सकें। तो इसी के साथ हमारा प्यारा सा डीआईवाई रेडी है। हाँ, इन्हें सिक्योर करने के लिए आप एक और वार्निश का भी जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इनका फाइनल लुक। आई होप आप सभी को आज का ये प्यारा सा डीआईवाई पसंद आया हो। अगर आप सभी को आज का आइडिया पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू।